गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मज़े में होंगे। आज हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नए पार्ट्स की शुरुआत करने वाले हैं आज, पार्ट 6, दूध का रंग। इस पार्ट में एक बच्चा है जिसका नाम अंकुर है, जो बहुत जिज्ञासु स्वभाव का है, अर्थात जिसे हर चीज़ को जानने की इच्छा रहती है। वैसे तो बच्चे, सभी बच्चे ही जिज्ञासु होते हैं, तभी तो आप लोग हमेशा सवाल करते रहते हैं, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो बच्चे ही जिज्ञासु होते हैं, तो अंकुर जो है वो आप ही लोगों की तरह है। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आपको इस पाठ के बारे में मैं थोड़ा बतला दूँ। ये पाठ जो है कहानी की तरह नहीं है, ये नाटक की तरह है। इसमें पात्र हैं, यानी दो तीन पात्र हैं, एक माँ, एक बच्चा अंकुर और एक दूध वाला। तो जैसे नाटक आप लोग देखते होंगे ना स्टेज में, तो ये उसी तरह से लिखा गया है। आइए हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये है अंकुर और ये उसकी माँ और ये दूध वाला। ये कितने ध्यान से देख रहा है दूध वाले को दूध देते हुए। तो ये जो कहानी है, ये जो नाटक है, ये उसी पर आधारित है। आइए पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। देखिए यहाँ पे पाठ का नाम है दूध का रंग, ठीक है? अंकुर एक जिज्ञासु बालक है। उसके मन में नए नए प्रश्न उठते हैं, जिन्हें उसकी माँ धैर्य के साथ सुनती हैं। वे दूध के बारे में बताकर अंकुर को दूध पीने के लिए प्रेरित करती हैं। अभी देखिए यहाँ पे नाटक का मतलब क्या है। देखिए, एक पात्र है दूध वाला, एक है माँ, एक है अंकुर। बाहर से आवाज़ आती है, दूध वाला कह रहा है ये, माँ जी दूध ले लो। फिर माँ कहती है, आती हूँ। माँ ने दरवाज़ा खोला। दूध वाला, माँ जी आज गाय का दूध लाया हूँ। अंकुर, गाय का? अंकुर आश्चर्यचकित है, इसलिए वो पूछता है, गाय का? दूध वाला, गाय का दूध अच्छा होता है, यह हमें बहुत ताकत देता है भैया, इसे पियोगे तो राजा बेटा बन जाओगे। माँ, यह तो राजा बेटा है ही, आज एक लीटर दूध दे दो। दूध वाला, अच्छा माँ जी। अंकुर, माँ एक बात मेरी समझ में नहीं आती। माँ कहती है, माँ कौन सी? अंकुर, गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध हरा क्यों नहीं होता? दूध सफ़ेद कैसे बन जाता है? माँ हंसकर, दूध भी हरा होना चाहिए। दूध में केसिन नाम का प्रोटीन होता है, जो उसे सफ़ेद रंग देता है। अच्छा, यह देखो, तुम भी तो तरह तरह का खाना खाते हो, फिर खून का रंग लाल क्यों हो जाता है? अंकुर, अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है? माँ, बेटा हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जो खून को लाल रंग देता है। अंकुर, बड़ी अचरज की बात है। अच्छा माँ, मैं नहा लूँ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ, तुम नहा कर आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ। कहते हुए रसोई में जाने लगती है। अंकुर, ठीक है माँ। अंकुर नहा कर दूध पी कर स्कूल चला जाता है। रात का समय, अब जो दूसरा दृश्य होगा नाटक का, वो होगा रात का समय, अंधेरा रहेगा उस समय का। माँ, अंकुर जल्दी गृह कार्य खत्म करो, फिर तुम्हें दूध पीना है। अंकुर, माँ आप मुझे रोज़ दो बार दूध पीने के लिए क्यों देती हो? दूध पीने से क्या होता है? माँ, दूध पीने से हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है। अंकुर, वह कैसे? माँ, बेटा दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो हमें निरोगी बनाते हैं। अंकुर, ये सब क्या होते हैं?
और ये क्या करते हैं? माँ, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्व होते हैं। ये सब अलग अलग काम करते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर की मरम्मत और निर्माण करना है। यह हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम हड्डियों दांतों को मजबूत बनाता है। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। अंकुर, अच्छा माँ, आज से मैं खूब दूध पीऊँगा और जल्दी जल्दी बड़ा बनूँगा। तो ये था पाठ जिसमें अंकुर जो है एक बच्चा है और ये उसकी माँ है। वो अपनी सभी बातों को, अपने सभी प्रश्नों को अपनी माँ से बोल पूछता है और माँ भी धैर्य के साथ सभी का जवाब देती है, सभी को समझाती है कि हमारे दूध का हमारे खून का रंग लाल क्यों है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों है, ये सभी चीज़। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे शब्द अर्थ। ताकत, शक्ति, वरना नहीं तो, निरोगी, स्वस्थ, निर्माण, बनाना। तो ये था शब्द अर्थ। हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, फिर शब्द अर्थ कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद कुछ कठिन शब्द हैं जिसे हम लोग वर्तनी अभ्यास के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, आइए। तो देखा बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि दूध कितना फायदेमंद है। ठीक है, अंकुर जो कि बहुत जिज्ञासु स्वभाव का एक बालक है और जो पूछता है कि जब गाय हरी घास खाती है तो दूध हरा क्यों नहीं होता और सफ़ेद क्यों होता है, और उसकी माँ बतलाती है कि दूध में केसीन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो अब हम लोग इसे भूलेंगे नहीं ना कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। हमारे खून का रंग क्यों होता है लाल? क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। ठीक है, पत्ते का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों के इस पाठ से क्या हम लोग सीखते हैं? दूध के फायदे। दूध को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स सभी कुछ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और आप सभी बच्चे दूध पीने के लिए पीना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, दूध पीने के लिए इतना नाटक करते, इतने परेशान, मम्मी को इतना परेशान करते हैं सभी कोई। आज से आप लोग दूध जरूर पीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि ये क्यों पीजिएगा? क्योंकि हमें ताकत, हमारे शरीर को ताकत देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हम इस दूध पीने से हमारा शरीर जो है वो ताकतवर हो जाएगा और हम सभी रोगों से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो नहीं भी अच्छा लगे तो भी उस जरूर दूध जरूर पीना है। ठीक है, तो दूध में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम, जो हमारी हड्डी को मजबूत बनाता है। आपको मजबूत बनना है ना, शक्तिशाली बनना है, तो दूध पीना शुरू कर दीजिए आज से। ठीक है, अब हम लोग इस पाठ को लिखेंगे। सबसे पहले इस पाठ को आप लोग पढ़िएगा जोर जोर से बोलकर। ठीक है, और अगर आपके मित्र आपके घर आते होंगे, अभी तो लॉकडाउन है, कोई किसी के घर जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप इस नाटक को कर सकते हैं अपने घर में। कोई एक आदमी अंकुर बन जाइएगा, एक मम्मी बन जाइएगा और एक दूध वाले का रोल प्ले कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ को पढ़िएगा बोलकर। फिर हम लोग शब्द अर्थ लिखेंगे, जैसे हर पाठ का हेडिंग देते हैं। आप लोग अपने कॉपी में पाठ 6 दूध का रंग इस तरह से हेडिंग दे दीजिएगा। इसके बाद शब्द अर्थ लिखिएगा। शब्द अर्थ लिखने के बाद लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इस पाठ में केवल 4 ही शब्द अर्थ है। फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग वर्तनी अभ्यास के अंतर्गत कुछ शब्द जो देखते हैं, कुछ नए शब्द जो है। जैसे पहला है केसिन, पहला शब्द क्या है? केसिन। दूसरा है हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, शक्ति, रसोई घर, गृह कार्य, होमवर्क को क्या कहते हैं? गृह कार्य, कैल्शियम, विटामिन। बच्चों, चूंकि ये वर्तनी जो है, ये स्पेलिंग जो है थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप कॉपी में केवल एक ही लाइन ड्रॉ कीजिएगा और एक स्पेलिंग को 2 बार ही लिखिए, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ठीक है,
तो इस बार वर्तनी अभ्यास हम लोग प्रत्येक स्पेलिंग को दो बार लिखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।